आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक इमोशनल ट्वीट किया है। इस ट्वीट में अपने पिता की अनुपस्थिति का जिक्र किया है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि पिता लालू प्रसाद की अनुपस्थिति की वजह से गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में मुझे बोलने नहीं दिया गया। तेज प्रताप ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की हालात के लिए जो लोग जिम्मेदार है उन घटिया लोगों की भी उन्हें जानकारी है। राहुल गांधी की जनसभा के दौरान भाषण ना मिलने के मौके पर भड़के तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस के बिहार नेतृत्व की जमकर खबर ली। उन्होंने गुस्से में एक तक कह दिया कि बिहार में यही सब कारण है कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि महागठबंधन को बड़ी लड़ाई लड़नी है, लेकिन जब सिपाही ही मोर्चा नहीं संभालेगा तो हम कहां से लड़ेंगे। वहीं मीडिया ने तेजस्वी यादव से जब तेज प्रताप के बारे में पूछा तो वो जवाब देने से बचते दिखे। कल जो रैली थी विक्रम महागठबंधन की, आप थे, मीसा जी थी, राहुल गांधी, तेज प्रताप जी थे, उन्होंने बोला कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, ट्वीट करके क्या उन्होंने बोला मुझे बोलने नहीं दिया गया वहां। नहीं, सब लोगों का तो लिस्ट वगैरह रहता है, बोलने वोलने का रहता है। अब ये तो हमको जानकारी में नहीं है, हमको अगर मेरे से अगर बात हुई होती तो बोलने में क्या मौका है। कई मंचों पे उन्होंने साथ बोला है, मेरे साथ जितने मंच उन्होंने साझा किए हैं हर मंचों पे उन्होंने बोलने का काम किया है। समय सीमा भी होती है लोगों का, और समय सीमा के अंदर जो है आपको, क्योंकि रोड शो भी करना होता है, तो हो सकता है उस वजह से नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पाटलिपुत्र संसदीय सीट से विक्रम में आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। जनसभा को तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया, लेकिन तेज प्रताप को मौका नहीं मिला। इस कारण तेज प्रताप भड़क गए। तेज प्रताप यादव, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उन्हें भाषण देना है। उन्होंने अपनी इच्छा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को भी अवगत कराया, लेकिन मौका नहीं दिया गया। इसके बाद भड़के तेज प्रताप ने इसके लिए कांग्रेस के आशुतोष शर्मा को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें घटिया आदमी करार दिया। तेज प्रताप ने कहा कि ऐसे लोगों के कारण ही कांग्रेस का ये हाल है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कांग्रेस की बिहार कमेटी चरमराई हुई है, ये सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी शिकायत वो राहुल गांधी से करेंगे। बता दें कि 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, जिसके कारण आरजेडी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। अब तो चुनाव प्रचार के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।